हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि वेरियस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और वेरियस इंस्टीट्यूट से, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो निकाली गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से आया है, जिसमें उन्होंने बताया कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड रिसर्च स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज। तो इस नोटिफिकेशन इन्होंने बोला है, विद रेफरेंस टू द नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका एडवर्टाइज फॉलोइंग पोस्ट प्योरली ऑन एड हॉक बेसिस फॉर कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड रिसर्च। तो इन्होंने बोला है कि कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी और रिसर्च के लिए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट निकाली है, तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है टेस्टिंग में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने पोस्ट का नाम क्या दिया है, मेडिकल बायो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च साइंटिस्ट, ये है पोस्ट का नाम। इसके साथ इन्होंने पोस्ट भी मेंशन कर रखी है, तो इसमें एक पोस्ट है। इसके साथ इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर रखी है। तो अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से, अगर आपने MD या DNB किया है माइक्रोबायोलॉजी में किसी भी MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, अगर आपने MSc किया है माइक्रोबायोलॉजी या वायरोलॉजी में, और अगर आपने PhD भी कर रखा है माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी में, और आपका अगर कोई भी एक्सपीरियंस है ICMR DHR IDSP CSI DBT और अदर रिलेवेंट प्रोजेक्ट में, तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी भी इन्होंने पर मंथ फिक्स कर रखी है, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको 65,000 मिलेगा पर मंथ अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के हैं। अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के, तो आपको यहाँ पे 60,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। वहीं इन्होंने दूसरी पोस्ट भी निकाली है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, इसमें एक पोस्ट है। और जो इसमें सेंसर क्वालिफिकेशन है वो मांगी है, MSc आपका होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी या वायरोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में। और जो प्राइस इन्होंने इसमें भी जो आपका स्टाइपेंड है या वो है कंसोलिडेटेड 31,000 पर मंथ। इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपका नेट और स्लेट भी पास है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट निकाली है, तो इसका जो नंबर वो 3 है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका BSc होना चाहिए MLT में माइक्रोबायोलॉजी या वायोलॉजी में, तो आपका ये BSc होना चाहिए इन डिग्री में। इन सब्जेक्ट्स में अगर है आपके पास तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने 3 पोस्ट निकाली और इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि किस कैटेगरी की है। तो OBC की 1 पोस्ट है, EWS कैटेगरी की 1 है और जनरल की 1 पोस्ट है। और जो इसमें कंसोलिडेटेड एमोलुमेंट्स आपको मिलेगा वो मिलेगा 25,000 पर मंथ। तो ये तो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप जरूर अप्लाई करिए। अब हम देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। तो दूसरा नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस से, जो कि एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम भी दे रखा है और इनकी पोजिशन भी दे रखी है। तो देखिए, प्रोजेक्ट है प्रपोजल ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बायो रिपोजिटरी फॉर कोविड-19 वायरल एंड क्लिनिकल सैंपल्स। इसके लिए इन्हें RA का 1 पोजिशन है, टेक्निकल असिस्टेंट का 2 पोजीशन, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पोजीशन। इन्होंने जो है फेलोशिप भी इन्होंने लिया, एमोलुमेंट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। RA 1 अगर आप हो हैं तो आपको 47,000 मिलेगा, प्लस 16% HRA भी आपको दिया जाएगा। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट को 20,000 फेलोशिप और जो 16% HRA, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन्हें 31,000 मिलेगा। तो ये कंसोलिडेटेड अमाउंट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें कोई भी HRA इंक्लूडेड नहीं है, तो ये फिक्स है। इसके साथ ही देखिए, इन्होंने एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, तो अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए किसी भी लाइफ साइंस की ब्रांच से। इसके साथ ही साथ आपका जो है रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए वायरोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में। और अगर आपके पास कोई फर्स्ट ऑथर पेपर है कुछ भी पीयर रिव्यू जर्नल में, तब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिन्होंने PhD की थीसिस जो है वो सबमिट कर रखी है और वाइवा का वेट कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देख ले टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसमें आपको होना चाहिए BSc डिग्री आपके पास होना चाहिए, कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लाइफ साइंस में, एलाइड सब्जेक्ट में, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी, चाहे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, चाहे माइक्रोबायोलॉजी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने किसी रिसर्च लेबोरेटरी में अगर आपने कुछ काम किया, एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ मिलेगा। वहीं हम देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो यहाँ पे आपको BSc डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस या IT या कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, तब आप इस पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ कैंडिडेट शुड हैव अ कंप्यूटर स्पीड ऑफ 15,000 कीज पर आवर। ठीक है, तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है कि आप 1 घंटे 15,000 कीज को अगर आप
यूज कर सकें, तब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप देखिए, बात करते हैं सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन जो होगा वो टोटली स्क्रीनिंग के बेस पे, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के बेस पे होगा, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो उन्होंने बोला है कि स्क्रीनिंग होगी, आपके जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उसमें वो स्क्रीन करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे किसे किसे इंटरव्यू के लिए बुलाना है। इसके बाद इन्होंने बोला, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो आपको इस वेबसाइट पे जाके आप जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करिए, उसे फिल करिए, और साथ ही साथ जो आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, सेल्फ अटेस्ट करिए उसे, और भेज दीजिए drds@ils.res.in पे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको भेजना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपने नेट या गेट क्वालिफाई किया है, आपके पास कोई और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो आप सेल्फ अटेस्ट करके मार्कशीट के साथ आपको इस मेल आईडी पे भेजना है। ठीक है, तो इसके बाद ये था, आप इसकी लास्ट डेट देख लीजिए, ये जो लास्ट डेट है वो 3 सितंबर है। ठीक है, और जो डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द आईएलएस वेबसाइट वो 4 सितंबर है। तो आज ही जो है वो इसका लास्ट डेट है, तो अगर आप अभी फिलअप करके भेज दे तो सही है। और जो डेट ऑफ इंटरव्यू वो 7 सितंबर को रखी गई है। ऑल कम्युनिकेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल ओनली। ठीक है, तो आपको ये सब जो है बाय ईमेल ही सेंड करना है, तो आपके पास आज का टाइम है, तो आज क्या कर सकते हैं आप, ये जो फॉर्म है उसे फिलअप करके, और साथ ही साथ जो भी आपकी मार्कशीट है या आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या नेट या गेट सर्टिफिकेट जो भी है वो सब आप जो है इसके अटैच करके मेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ मेल करना है, आपको यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। तो आज लास्ट डेट है, तो आप आज अपना जो डॉक्यूमेंट से वो सेंड कर दीजिए। अब चलिए हम देख लेते हैं एक और एडवर्टाइजमेंट, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, जो कि आईएलएस से ही है, सेम इंस्टीट्यूट से। इसमें देखिए, इन्होंने आरए की पोजीशन निकाली मलेरिया पैरासाइट बायोलॉजी के लिए। इसमें जो पोजीशन है वो 1 है, सारे इन्होंने प्रोजेक्ट भी मेंशन कर रखा है, और साथ ही साथ जो फेलोशिप अमाउंट है वो 47,000 प्लस 16% एचआरए पर मंथ, ये भी दे रखा है। एलिजिबिलिटी, अगर आपके पीएचडी या एमडी, एमएस, एमडीएस या इक्विवेलेंट डिग्री है, या 3 इयर्स का आपको रिसर्च, टीचिंग और डिजाइन या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका रिसर्च पेपर है किसी भी साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल में, तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर आपका एक्सपर्टाइज इन फील्ड ऑफ मलेरिया या पैरासाइट मलेरिया या इम्यूनोलॉजी या मोलिकुलर पैरासाइटोलॉजी या मोलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर काम किया है किसी भी टॉपिक पे, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट 2 आरए है, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स या एनजीएस एनालिसिस में, तो इसके लिए भी एक पोजीशन है, फेलोशिप अमाउंट सेम है, एलिजिबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। तो नहीं, तो इसमें एलिजिबिलिटी आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स होनी चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड एरिया में। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स या एनजीएस रिलेटेड है, तो बेटर रहेगा कि आपका जो डिग्री है वो अगर पीएचडी या एमएससी अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपने पीएचडी थीसिस सबमिट कर रखी है और वेट कर रहे हैं वाइवा के लिए, तब भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो सिलेक्शन होगा, इट विल बी थ्रू एप्लीकेशन स्क्रीनिंग एंड देन फॉलोइंग बाय द इंटरव्यू। ठीक है, इसके लिए भी आपको सेम करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी, मार्कशीट, सर्टिफिकेट या किसी एक्सपीरियंस की अगर आपका पास है तो, या आपका आपके पब्लिकेशन है तो उसका भी आपको अटैच करना होगा कॉपीज, और आपको जो पीएचडी थेसिस सिनॉप्सिस है वो सबको भेजना है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस नार्को स्क्वायर भुवनेश्वर, सब्सक्राइब द एनवेलप विद। इसके बाद आपको जो एनवेलप के ऊपर मेंशन करना है एडवर्टाइजमेंट नंबर, और साथ ही साथ जो डेट और आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है। तो इसमें से जो आपको इसमें क्या करना है, हार्ड कॉपी इसमें आपको सेंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड करनी है। इन्होंने एड्रेस ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो लास्ट डेट 25 सितंबर है, और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट जो आएगी वो 29 सितंबर को आ जाएगी, और जो डेट और टाइम होगा इंटरव्यू का वो वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। तो ऑल कम्युनिकेशन विल बी थ्रू ईमेल, नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट। तो देखिए, इसमें जो भी अगर आपका सिलेक्शन भी होता है तो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो निकाली है आईएलएस ने और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट ने। तो अगर आप इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ने, तो आप अगर आप इन सब के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करिए और जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करिए। तो चलिए, मेरा ये वीडियो जो है मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।